दूसरा, ये विधियां बताने का एक और कारण है जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका स्पेसिफिकली मिलन स्पेसिफिक लोगों के साथ ही, या अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ ही होना चाहिए, और वो उनसे मिलने से पहले ही अपने आप को किसी और का कर चुके होते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा पाप वो कर देते हैं, जानबूझ के या अनजाने में। इसके पीछे पूर्व जन्मों के कारण होते हैं। जब आपको कोई आपका ना होते हुए भी अपना सा लगने लगता है, ये भी याद रखिए कि कई बार वर्तमान जीवन में आपको ऐसा कोई व्यक्ति या लड़की भी अपनी लग सकती है जो पूर्व जन्मों में शायद आपके शत्रु रहे हों, आपके माली रहे हों, आपके तांगा चलाने वाले या खाना बनाने वाले रहे हों, आपके संगी साथी रहे हों, आपके गांव देहात वाले रहे हों, या आपकी माँ रही हों, बेटी रही हों, बहन रही हों, पिता रहे हों, पुत्र रहे हों। तो जरूरी नहीं है कि आपको कोई अच्छा लगे तो उसका मतलब यही है कि वो आपका पति होने के लिए है और आप चले फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए या संभोग करने के लिए। कोई अपना लगने के कई वजह हो सकती हैं, ठीक है, और वो इस वजह से कोई व्यक्ति या लड़की अपनी लगने लग जाती है क्योंकि पूर्व जन्म के ताल्लुक होने की वजह से, चाहे वो रिश्ता माँ बेटे का हो, चाहे बहन भाई का हो, चाहे दोस्त का हो, चाहे कोई भी हो, चाहे दास का और मालिक का हो, तो ऐसे रिश्तों के तहत आपको वो शक्ल तो याद रह जाती है, चाहे वो आपका शत्रु ही क्यों ना हो, क्योंकि आप उससे जुड़े रहे हैं, आप उसको सारी उम्र सोचते रहे हैं, उसके बारे में उसको देखते रहे हैं। तो अगले जन्म में जब वही व्यक्ति, चाहे आपका शत्रु रहा और अगले जन्म में वो सुधर गया हो और अच्छा इंसान बन गया हो, तो उस समय में जब वो अच्छा हो गया है या अच्छी हो गई या आपको मिलती है, तो आपको एक अट्रैक्शन सा महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है कि आप उस व्यक्ति या लड़की को जानते हैं, वो अपना सा है कुछ, आपको ये नहीं पता होता कि क्यों, और आप उस वजह से उसे अपना मानकर उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, उनके साथ संभोग कर लेते हैं, शादी तक की सोच लेते हैं। पर फाइनली फिर आपको पता चलता है कि आपकी शादी किसी और से हो गई, आपके पेरेंट्स नहीं माने, या शायद भगवान को कुछ और मंजूर था, या आपकी किस्मत, और फिर आप सारी उम्र उस व्यक्ति को जो वास्तविकता में आपका कुछ नहीं लगता था और कुछ नहीं लगने वाला था, वो या नहीं लगने वाली थी, उसको भूल नहीं पाते हैं, और अपने पति या पत्नी के साथ वो न्याय नहीं कर पाते हैं जो आपको करना चाहिए, उनको सच्चा प्यार देकर। तो इन गलतियों से बचाने के लिए, और फिर उसके बाद शरीर, भौतिक शरीर छोड़ने के बाद आपको नरक में या कहीं पर भगवान की दी हुई सजाएं भुगतनी ना पड़े, इसलिए अपने आप को बचाइए और सही रास्ता चुनिए। नमस्कार।